बोलो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आज हम देखिए, आज हम वीडियो ब्लॉग डाल रहे हैं लड्डू गोपाल जी के छठी का, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आज लेट हो गया अपलोड करने में हमको, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी भी थी और मैं तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं अच्छा था हो गया नहीं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का सारा डेकोरेशन हो गया और यहाँ बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की। तो दूध में स्नान करवाने के बाद अभी उनको पंचामृत से स्नान करवा देंगे, क्योंकि छठी के दिन ना पंचामृत से स्नान करवाना ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल जी को। और जन्माष्टमी मैं नहीं मनाई थी, क्योंकि जन्माष्टमी में पूजा करने का हमें नहीं था, इसलिए मैं जन्माष्टमी नहीं मना पाई थी, इसलिए उसका ब्लॉग नहीं आया। और यहाँ पे इनका स्नान वगैरह करवा के और अभी देखिए इनको नए नए वस्त्र वगैरह पहनाऊंगी। और आज के दिन येलो कलर का ही वस्त्र पहनाया जाता है, क्योंकि छठी में पीला कलर ज़्यादा शुभ होता है इनके लिए, इसीलिए पीला कलर का वस्त्र मैं इनके लिए मार्केट से जाके लेके आई थी। और यहाँ पे इनको देखिए पूरा श्रृंगार वगैरह करके और अभी इनको हमने बैठा दूँगी मैं झूला पे, और यहाँ पे इनको विराजमान कर दी हूँ मैं झूला पे। और ये देखिए कितने खुश हैं ना बैठ के, और कितने अच्छे लग रहे हैं येल्लो येल्लो ड्रेस में। तो यहाँ पे भी इनका मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। आज भोग में प्रसाद में मैं बनाई थी सिंघाड़े के आटा का हलवा और कढ़ी और चावल। तो सबसे पहले आज पूजा वगैरह करके अभी उसके बाद इनको देखिए कढ़ी चावल का मैं भोग लगा रही थी छठी के दिन ना। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे का छठियार होता है तो कढ़ी चावल बनाया जाता है ना, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी जब छठियार होता है ना तो कढ़ी चावल बनाया जाता है। तो आज कढ़ी चावल इनको भोग में लगेगा बहुत दिन के बाद। और यहाँ पे हलवा भी मैं उनके लिए बना के रखी थी, और ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको ना अपने हाथ से मैं खिलाऊंगी, और मतलब इतना मनमोहक लग रहे थे ना देखने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था जैसे ना कि सच में आज हमारे घर में बैठे हुए हैं आके। तो अभी इनको मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर झूला झूलाऊंगी सब लोग मिलके। और ना लड्डू भी मेरा बहुत खुश था, उसको भी देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत खुश हो रहा था, वो ताली बजा रहा था, कभी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए इनको मैं भोग लगा दे रही हूँ, और उसके बाद फिर सब लोग मिलके झूला झूला लेंगे। लड्डू झूला झूलाते झूलाते ही ना इतना तेज झूला झूलाने लगा था ना कि जैसे लगे कि वो झूला पर से गिर ही जाएंगे, इतना तेज झूला खींच रहा था। तो लड्डू को बड़ा मज़ा आ रहा था झूला झूलाने में, और मतलब उसको मतलब जैसे लग रहा था ना कि खेलने का सामान है तो वो खेल रहा था। तो यहाँ पे देखिए नेक में हम लोग डाल रहे थे इनके लिए, नेक में दिया जाता है ना पैसा वगैरह छठियार में बच्चों को, तो यहाँ पे छठियार में बच्चों को मैं नेक में दे रही थी ये पैसे वगैरह। अब यहाँ पे देखिए लड्डू के पापा और हम मिल के झूला झूला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। तो देख सकते हैं लड्डू कितना कस के झूला झूला रहा था, इतना तेज झूला झूला कि सारा फूल वगैरह ही गिर गया। ये देखिए खींचे जा रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा था खींचने में। तो हमारे यहाँ छठी इस तरह से होता है, आपके यहाँ छठी किस तरह से होता है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो ये छोटा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ जो भी न्यू मेम्बर हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। तो यहाँ पे हलो झूला झूला लिए थे, और अभी गोलू भी आ गई थी झूला झूलाने के लिए, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है झूला झूलाने में। तो सब लोग ने मिलकर खूब झूला झूलाया इनको, और काफ़ी मजा आया सब लोग को। मतलब रात में तकरीबन 10 बज गया था, करते करते हम लोग को पूजा पाठ लेट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला था। तो ये देखिए कितने अच्छे से बैठ के झूला झूल रहे सिंहासन पे अपने। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। श्री गिरधर कृष्ण।